आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण शिक्षा और सुरक्षा के लिए बाल सेवा योजना के 5 लाभार्थी बच्चों से की मुलाकात। सभी निराश्रित हुए बच्चों को शासन की योजना का लाभ दिलाने के दिए आदेश। कहा, बीते 100 वर्षों में सबसे भीषण महामारी के रूप में उभरा है कोरोना, वैक्सीनेशन ही है इसके बचाव का हथियार। गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, निस्तारण के दिए आदेश। बाल संरक्षण गृह पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अपने बीच सीएम योगी को पाकर बच्चों के खिल उठे चेहरे। मुख्यमंत्री ने बच्चों को दुलारा, बच्चों के मुख से गायत्री मंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्र को सुनकर अभिभूत हुए मुख्यमंत्री। बच्चों को दिया गिफ्ट, दिया हर संभव मदद का आश्वासन। इसी दौरे पर बुधवार को गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद शुक्रवार को बलिया के लिए हुए रवाना। जाते जाते अधिकारियों को दिए गए आवश्यक मार्गदर्शन। एसएसपी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी सूचना। कहा, जिस भी जिला पंचायत सदस्य को सुरक्षा की है आवश्यकता, वह पुलिस लाइन में दे प्रार्थना पत्र, मिलेगी सुरक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य व चिकित्सा ने की स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा। सीएससी और पीएससी पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के दिए निर्देश। कहा, बढ़ाए वैक्सीनेशन का रफ्तार। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई पर्यटन विकास के निर्माण कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक। कहा, समय से करें श्रमिकों का भुगतान, विलम्ब कदापि बर्दाश्त नहीं। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,221। अब तक 834 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 190 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। इलाज के दौरान मरीजों की मौत के बाद चिकित्सकीय प्रतिष्ठानों पर तोड़फोड़ की घटना को रोके जाने की मांग को लेकर आईएमए ने काली पट्टी तथा काला कपड़ा पहनकर मनाया विरोध दिवस। सरकार से डॉक्टर प्रोटेक्शन कानून बनाने की मांग। जनपद में शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित कुल 84 केंद्रों पर 10,546 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। सीएमओ ने कहा, लक्ष्य के सापेक्ष हो रहा है वैक्सीनेशन, लोगों में दिख रहा है उत्साह। नाइट कर्फ्यू का जनता कर रही है पालन। शुक्रवार को भी महानगर के सड़कों पर देखने को मिला नाइट कर्फ्यू का आंशिक असर। एसपी सिटी ने कहा, शनिवार और रविवार को रहेगा साप्ताहिक बंदी, नाइट कर्फ्यू का जनता कर रही है पालन। और मानसून के दस्तक के साथ मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। रोहिणी, सरयू, कुआनो, राप्ती खतरे के निशान के ऊपर। जिला प्रशासन ने किया अलर्ट जारी, बाढ़ चौकियों को किया गया सतर्क।